नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों ऐसा करता हूँ, आप सुखी संपन्न समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनकी समस्याएं आने से पहले अपना रास्ता मोड़ लेती है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको शत्रुनाश का एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। जो ये उपाय मंगलवार के दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब मंगलवार की रात तक आप इसको कर सकते हैं किसी भी समय। अगर आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहा है या फिर शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा है या फिर कुछ ऐसे शत्रु भी हैं जो आप जानते ही नहीं है कि ये शत्रु है, वो आपके पास मित्र के रूप में बैठा है और व्यवहार शत्रुता का कर रहा है, गुप्त रीत से अंदर अंदर आपको खोखला कर रहा है, आपकी जड़ें साफ कर रहा है, तो दोस्तों ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है तो आप इस क्रिया को अवश्य कर लें, आपको शत्रुओं से 100% छुटकारा मिल जाएगा। मंगलवार दोस्तों हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी कलयुग के हाजिर हुजूर देव माने जाते हैं। हनुमान जी की शरण में जो भी जाता है दोस्तों वो व्यक्ति 100% अपने मकसद में सफल होता है और हनुमान जी उसकी चारों तरफ से रक्षा करते हैं। तो आपको मंगलवार के दिन में किसी भी समय स्वच्छ होके आपको ये क्रिया करनी है। आपको उस कागज पे ऊपर लिखना है ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा या नमः, ओम हम पवन नंदनाय नमः। आपको हनुमान जी का ये मंत्र उस कागज पे ऊपर लिख देना है। लाल कलर की पेन से आपको मंत्र लिखना है और उसके नीचे काले कलर के मार्कर से या पेन से आपको शत्रु लिख देना है। बस कागज लाइन बिना का होना चाहिए और उस कागज में कागज का बड़ा टुकड़ा A4 साइज का टुकड़ा लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, लाइन नहीं होनी चाहिए कागज में। ये लिखने के बाद आपको 9 फूल वाली लौंग ले लेनी है। क्या करना है, फूल वाली 9 लौंग गिनती से साफ सुथरी स्वच्छ लौंग और जहां आपने शत्रु लिखा है उसके ऊपर वो 9 लौंग रख देंगे और रख के आपको थोड़ा सा उस पे नमक रख देना है। 9 लौंग और पिसा हुआ हो या नमक के टुकड़े हो, एक चुटकी नमक रख देना है। बस उसकी पुड़िया बना के और आपको 9 लौंग रखिए, 9 बार आपको शत्रु बोलना है। कहाँ, निर्जन स्थान में जाने के बाद, निर्जन स्थान में जाएं और छोटा सा कोई जमीन में खड्डा खोदें और उस गड्ढे में उस पुड़िया को रखें। पुड़िया रखने के बाद मिट्टी डालने से पहले आपको 9 बार शत्रु 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 बोलना है, 9 बार। ये बोलने के बाद आप उस पर मिट्टी डाल दें। मिट्टी डाल के आप जिस जगह खड़े हैं वहां 3 बार अपना राइट पांव दायां पांव 3 बार जमीन पे पटके,
जहाँ पुड़िया गाड़ी है उस जगह नहीं, जहाँ आप खड़े हैं उसी जगह, क्योंकि पुड़िया के ऊपर आपको पांव नहीं पटकना है, उसमें हनुमान जी का मंत्र लिखा हुआ है। तो आप जिस जगह खड़े हैं वहां तीन बार पांव अपना जमीन पर मारे और आप वापस घर आ जाए, कुल्ला करके फिर आपको अपने घर में एंट्री लेनी है। दोस्तों आप देखेंगे, आप जितने भी शत्रु होंगे एक एक करके धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो आपके कंप्लीट मित्रता कर लेंगे, आपकी शरण में आ जाएंगे, और जो शत्रुता ही रखेगा वो धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाएगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। शत्रु किसी कंडीशन में नहीं बचेगा और कंप्लीट बर्बाद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, इसको समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।